हमारे पौराणिक युद्धों में महाभारत के युद्ध को विशेष महत्व दिया गया है। महाभारत के युद्ध से ही हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथ गीता का जन्म हुआ। अधर्म पर धर्म की जीत की यह महान गाथा के हर क्षण में कोई न कोई कहानी, कोई न कोई सीख है। महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र ही क्यों चुना गया, इसके पीछे भी एक रोचक और प्रेरणादायक कहानी है। जब पांडवों ने वनवास व अज्ञातवास पूरा कर लिया तो वे धृतराष्ट्र के पास अपना राज वापस लेने के लिए गए और दुर्योधन ने उनको सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से मना कर दिया। श्री कृष्ण जी ने भी युद्ध रोकने के लिए खुद दूत बनकर राज्यसभा में गए, किंतु कोई हल ना निकला। युद्ध उसी वक्त निश्चित हो गया था और भीष्म ने श्री कृष्ण जी से युद्ध के लिए एक उपयुक्त भूमि खोजने को कहा था। श्री कृष्ण जी को पता था कि ये युद्ध मानव इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध होगा और इस युद्ध से ही मानवता के लिए रास्ता निकलेगा। श्री कृष्ण जी को यह भी पता था कि यह युद्ध ऐसा होगा जिसमें सगे संबंधी आमने सामने युद्ध में होंगे, तो इसके लिए ऐसी भूमि देखी जाए जिसका इतिहास कठोर हो। कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध में अपनों को सामने देखकर सबका मन युद्ध से विमुख हो जाए, और अगर ऐसा होता तो यह मानव समाज की शांति और भलाई के लिए बिल्कुल भी अच्छा ना होता। श्री कृष्ण जी ने अपने गुप्तचर सभी दिशाओं में छोड़ दिया कि वो जाए और ऐसी निर्मम भूमि की तलाश करे। कुछ समय बाद उनके गुप्तचरों ने उनको एक अजीब जगह के बारे में बताया। गुप्तचरों ने बताया कि उन्होंने एक जगह पर देखा कि दो भाई साथ मिलकर खेती कर रहे थे। तभी वहां पर बारिश होने लगी और बड़े भाई ने छोटे भाई से खेत में मेड़ बनाने को कहा ताकि पानी दूसरे खेत से अपने खेत में ना घुस पाए। ये सुनकर छोटे भाई ने कहा कि आप अपना काम स्वयं कर ले, मैं आपका दास नहीं हूं। ये सुनकर बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने खड़ग से छोटे भाई की हत्या कर दी और उसके शव से ही खेत में मेड़ बना लिया। ये सुनकर कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने गुप्तचरों से उस भूमि का नाम पूछा तो गुप्तचरों ने कुरुक्षेत्र नाम बताया। श्री कृष्ण जी समझ गए कि ये वही भूमि है जहां भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को मारकर वहां क्षत्रियों के खून से 5 सरोवर बना दिए थे। उनको पता था कि ऐसी भूमि पर एक दूसरे के प्रति दया का भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता और उन्होंने इसी भूमि को महाभारत के युद्ध के लिए चुना। उस काल में इसी भूमि पर बहुत से अनैतिक तरीके से वीरों का संहार हुआ, जैसे अभिमन्यु, द्रोणाचार्य इत्यादि। इसके अलावा एक और कहानी प्रचलित है कि देवराज इंद्र ने परशुराम जी को कहा था कि जो भी कुरुक्षेत्र में प्राण त्याग करेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा, और श्री कृष्ण जी भी यही चाहते थे कि सारे महावीर मृत्यु के बाद स्वर्ग जाए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस Facebook पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।